हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी ऑनलाइन चैनल तो पिछली क्लासेस में हमने बात किया था इनपुट टैग के बारे में और उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में हमने आपको बताया था कि हम अगले जो भी आपके चैप्टर्स होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे आपका अगला टॉपिक होगा टेक्स्ट एरिया टैग तो आज हम बात करेंगे क्या कि टेक्स्ट एरिया टैग के बारे में और टेक्स्ट एरिया टैग आपका क्या होता है चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बात करेंगे टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया एरिया टैग टैग के बारे में टेक्स्ट एरिया आपने इनपुट टैग के बारे में पढ़ा था जो आपका इनपुट टैग होता है वो फॉर्म में यूज होता है ये जो भी आपके टैग पढ़ रहे हैं किसके हैं सब फॉर्म टैग के हैं एलिमेंट तो फॉर्म टैग के अंदर जो आपका इनपुट टैग था वो क्या काम करता था वो आपका जो भी आप इनपुट करना चाहते थे सिंगल लाइन आपका एलिमेंट रहता था जिससे आप क्या कर सकते थे कि आप अपने फॉर्म में कोई भी सिंगल लाइन इनपुट कर सकते थे तो अगर आपको मल्टी लाइन इनपुट करना है तो आपके पास क्या था आपके पास तो कोई ऑप्शन था नहीं क्योंकि आपका जो इनपुट टैग होता है वो क्या देता है आपको फैसिलिटी वो सिर्फ आपको सिंगल लाइन रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाता है लेकिन आपका जो टेक्स्ट एरिया होता है ये किस लिए यूज़ किया जाता है आपको मल्टी लाइन अगर अपने फॉर्म में इंसर्ट करना है तो आपका टेक्स्ट एरिया टैग यूज होता है तो चलिए हम बात करते हैं टेक्स्ट एरिया टैग के बारे में टेक्स्ट एरिया क्या होता है मल्टीलाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड सेम एज टेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या होता है यह मल्टी लाइन इनपुट फील्ड को आपको प्रोवाइड करवाता है अभी तक क्या होता था कि जैसे आप इनपुट टैग की मदद मतलब से क्या करते थे आपका ये ऐसे फील्ड बनता था उसमें आप क्या कर सकते थे जैसे यूज़र का नेम क्या हो सकता है कोई सिंगल लाइन में हो सकती है या फादर्स नेम या मदर्स नेम लेकिन जब आपको एड्रेस लिखना है क्योंकि कभी कभी एड्रेस क्या होता है आपका छोटा भी होता है और कभी कभी एड्रेस क्या होता है बड़ा होता है तो आपको अगर आपको एड्रेस लिखना है या बड़ा जैसे कुछ बड़े इन्फॉर्मेशन लिखनी है कई लाइन की मल्टी लाइन की ऐसे यहाँ पे आपका ऐसे बॉक्स हो उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है मल्टी लाइन तब आपके पास क्या होगा तब आप क्या यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया टैग यूज करेंगे चलिए यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट एरिया टैग यूज कैसे करते हैं दूसरी बात आपको बता दें कि आपका जो टेक्स्ट एरिया टैग होता है वो आपका क्या होता है कंटेनर टैग होता है मतलब आपका यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है लेकिन जो आपका इनपुट टैग होता था वो क्या था आपका इमपुट ही था आप पढ़ते भी चल रहे हैं और साथ साथ में डिफरेंस भी देख ले रहे हैं तो चलिए इसका सिंटैक्स लिखते हैं आपका टेक्स्ट एरिया का क्या होगा सिंटैक्स यहाँ पे लिखेंगे हम टेक्स्ट एरिया टैग फिर आपके यहाँ पे कंटेंट रहेंगे जो भी आपके कंटेंट यहाँ आप देना चाहोगे फिर आपका क्या रहेगा क्लोजिंग टेक्स्ट एरिया टैग रहेगा तो ये है आपका जो टेक्स्ट एरिया टैग है उसका सिंटैक्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो आपका टेक्स्ट एरिया टैग है उसके एट्रीब्यूट के बारे में लिखेंगे एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट एरिया टैग ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट एरिया टैग जैसे आपने देखा था कि इनपुट टैग जो आपका था वहां पे तो बहुत सारे एट्रीब्यूट थे यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट एरिया टैग होता है इसके दो एट्रीब्यूट होते हैं पहला आपका होता है रू और दूसरा आपका होता है कॉल्स बताया गया कि यहाँ पे आपके दो होते हैं यहां रोज होगा और यहाँ पे कॉल्स रोज क्या डिफाइन करता है इट डिफाइंस हाइट ऑफ इनपुट फील्ड ये क्या काम करता है ये जो आपका इनपुट फील्ड होता है उसकी हाइट को डिफाइन करता है कैसे अभी आपको जब प्रैक्टिकल दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा बेटर दूसरी चीज क्या है आपका दूसरा एट्रीब्यूट क्या है कॉल्स यहाँ पे कॉल्स भी क्या करता है इट डिफाइन विथ ऑफ इनपुट फील्ड सिंटैक्स देख लेते हैं सिंटैक्स इसका क्या होता है टेक्स्ट एरिया टैग फिर यहाँ पे आप लिखेंगे रोज इक्वल टू यहां वैल्यू जितना आपको हाइट उसको सेट करना है आपके इनपुट फील्ड का आप क्या कर देंगे रोज में वो वैल्यू दे देंगे फिर आपका एक स्पेस रहेगा यहाँ कॉल्स आप लिखेंगे और इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे वैल्यू दे देंगे वर्थ की वैल्यू आप देंगे यहां पे फिर आपके जो भी यहाँ कंटेंट होंगे जो भी आपके कंटेंट होंगे आप लिख लीजिएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा टेक्स्ट एरिया टैग क्लोज हो जाएगा आपका तो ये रहा आपका टेक्स्ट एरिया टैग और उसके एट्रीब्यूट चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं ब्रैकेट प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं अब हम यहाँ देखते हैं टेक्स्ट एरिया टैग पहले लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, फिर आप क्या करेंगे इसको नॉर्मली आप क्लोज कर देते हैं अभी हम विदाउट इसका क्या देखेंगे विदाउट एट्रीब्यूट देखेंगे इसका यूज चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं तो यहाँ पे आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है चलिए इसको हम कंट्रोलाइज करके सेव करते हैं और रन करवाते हैं देखिए यहां पे आपका क्या हुआ ये मल्टी लाइन जो भी आपका आपने टेक्स्ट दिया यहाँ पे आपका क्या हुआ यहाँ पे मल्टी लाइन के लिए आपका इनपुट फील्ड बन गया और ये जो आपका देख आप देख पा रहे हैं यहाँ जो आपका है ज़ेरो दिए तो आप इसको क्या कर सकते हैं इसको बड़ा कर सकते हैं जितना आप चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं तो ये आपका मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज आपकी विंडो जो होती है यहाँ पे ये जो इनपुट फील्ड है इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसके लिए ये आपको यहाँ पे दिया गया रहता है तो ये आपने देखा कि टेक्स्ट एरिया फील्ड सॉरी टेक्स्ट एरिया जो आपका टैग है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं मल्टी लाइन इनपुट फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं यहीं पर इसको हम देखिए यहाँ पे आपका हम इसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर दे रहे हैं इनपुट टैग लगाएंगे इक्वल टू लगाएंगे टाइप देंगे क्योंकि आपको यहां पे क्या देना पड़ता है दे कर एस कर करेंगे और इसको रन करवाएंगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी ऑनलाइन चैनल तो ये आपका जो बॉक्स है इसके बाहर लिखा हुआ है यहाँ पे क्यों बाहर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपका जो इसको आपको वैल्यू में देना चाहिए इक्वल टू डबल कोटेशन में आपका यहाँ पे ये यहाँ पे आप अगर ऐसे देते हैं कंट्रोल एस करेंगे और इसको रन करवाएंगे तब भी आपका होगा लेकिन ये सिंगल लाइन इनपुट फील्ड क्रिएट करता है जो आपका इनपुट टैग होता है आप देख रहे हैं कि वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी और ऑनलाइन चैनल आपका यहाँ पे क्या हो गया गायब हो गया तो ये आपका सिंगल लाइन इनपुट फील्ड प्रोवाइड करवाता है अगर आपको मल्टी लाइन लिखना है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट एरिया टैग यूज़ करना पड़ेगा यहाँ से हम इनको हटाते हैं सबसे पहले और वापस आते हैं टेक्स्ट एरिया टैग के बारे में समझते हैं यहाँ पे हम वापस लिख देंगे टेक्स्ट एरिया अब इसको कंट्रोल एस करके रन करवा के वापस देख लेते हैं तो ये देखिए वापस ये उसी फॉर्म में आ गया जैसे आपने टेक्स्ट एरिया में इसको यूज़ किया था तो ये आप देख रहे हैं कि आपका मल्टीलाइन अगर आपको इनपुट करना है तो आप टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करेंगे चलिए यहाँ पे आप ए, इसके जो एट्रीब्यूट आपने दो देखे थे उसको यूज़ कर लेते हैं पहला आपका क्या था रोज था रोज में हम वैल्यू दे देते हैं रोज में मान लीजिए हम वैल्यू यहाँ सेवन देते हैं और यहाँ पे आपका कॉल्स भी यूज़ कर लेते हैं कॉल्स इक्वल टू वैल्यू यहाँ देंगे कॉल्स हम बड़ा कर देते हैं टेन कर देते हैं चलिए देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट देखिए आपका जो रो था मैंने आपको बताया था कि जो आपका रो होता है वो क्या आपको डिनोट करता है हाइट को और जो आपका विर्थ होता है किसको डिनोट करता है कॉल्स को एक मिनट वापस हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे इसको हम यहाँ ट्वेल्व कर रहे हैं और इसको यहाँ पे हम सेवन कर रहे हैं कंट्रोल एस करते हैं और वापस इसको हम रोज आपका किसको डिनोट कर रहा है हाइट और डिनोट कर रहा है क्योंकि आपने रोज को क्या दिया है ट्वेल्व दिया है और कॉल्स क्या दे दिया है यहाँ पे हम इसको ट्वेंटी सेवन दे देते हैं चलिए कंट्रोल एस करते हैं और रन करवाते हैं अब आप देख रहे हैं कि आपका जो ये वर्थ है ये भी बढ़ गया तो रोज से आपकी हाइट बढ़ती है और कॉल से आपका क्या बढ़ता है वर्थ बढ़ता है तो भी आपने क्या देखा टेक्स्ट एरिया टैग के बारे में तो अभी आपने देखा टेक्स्ट एरिया टैग के बारे में चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम क्या पढ़ेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना क्या सीखेंगे अब mm. हम सीखेंगे क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एच टी एम एल क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एच टी एम एल हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने से पहले जानेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट होता क्या है चलिए बात करते हैं आपने लिस्टिंग पढ़ा होगा ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट तो आपका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है जैसे यहाँ पे आपके कोई आइकन दिए होते हैं ऐसे आपने देखा जब आप फॉर्म वगैरह कभी फिल किए हों क्योंकि फॉर्म तो सभी फिल करते हैं सभी को पता होगा तो आपके कुछ ऐसे आइकन्स दिखते हैं जैसे आपको स्टेट यहाँ पे आपका कुछ आइकन ऐसे दिखता है ये स्टेट लिखा रहता है तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करेंगे या इसपे क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्टिंग एक ओपन हो जाती है यहाँ पे कुछ जैसे यूपी एमपी, उत्तराखंड जो आपकी लिस्टिंग यहाँ पे क्या आती है कई लिस्टिंग आती हैं यहाँ पे तो जो लिस्टिंग आ रही है जैसे इस पे आप क्लिक करने पे लिस्टिंग आ रही है ये जो आइकन होता है इसे ड्रॉप डाउन आइकन बोलते हैं आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो आपको जो लिस्टिंग दिखती है इसी को कहा जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट तो अब हम फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे कैसे बनाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को चलिए बात करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट होगा यहाँ पे आपके कुछ टैग यूज होते हैं सबसे पहला टैग आपका होता है सेलेक्ट टैग और दूसरा टैग आपके पास होता है ऑप्शन टैग जो आपका सेलेक्ट टैग होता है ये किस लिए यूज किया जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए बताया जाता है सेलेक्ट टैग इज यूज फॉर क्रिएट द ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे आपका यहां पे होता था आपने जब लिस्टिंग पढ़ा होगा तो आपने ओएल यू एल पढ़ा होगा है ना ओ एल टैग या यू एल टैग और उसके अंदर एल आई टैग पढ़ा था आपने तो सेम आपके यहाँ पे ऐसे जब ड्रॉप डाउन लिस्ट आप क्रिएट करते हैं तो ये दोनों टैग यूज़ होते हैं सेलेक्ट टैग आपका यूज़ होता है और ऑप्शन टैग यूज़ होता है जैसे आपका यू एल और ओ एल की जगह यहाँ पे सेलेक्ट टैग यूज़ होता है और एल आई की जगह आपका ऑप्शन टैग यूज़ होता है अगर आपको लिस्टिंग टैग अच्छे से समझ में आए तो ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा तो चलिए हम बात करते हैं बताया जाता है कि सेलेक्ट टैग आपका यूज किया जाता है ड्रॉपडाउन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए और यहाँ पे जो ऑप्शन टैग आपका होता है ये जो ऑप्शन टैग है उसमें जितने है आपके लिस्ट आइटम जैसे आपके लिस्ट आप बनाते थे तो जो लिस्ट आइटम रहते थे तो उसको बनाने के लिए आप एल टैग यूज करते थे तो जो ड्रॉप डाउन आपकी लिस्टिंग बनेगी उसकी जितनी भी लिस्ट में नेम लिखे होंगे वो आप किस में लिखेंगे ऑप्शन टैग में तो आपको शायद समझ में आया हो कि टैग और ऑप्शन टैग होता क्या है चलिए हम एक, एक इसका देख लेते कैसे यूज करते पहले तो सिंटैक्स लिखेंगे यहां पे सिंटैक्स में समझेंगे सिंटैक्स इसका लिखते कैसे सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट टैग और इसके अंदर आप लिखते हैं फिर ऑप्शन ऑप्शन के अंदर आप अपने जो भी ऑप्शंस रहेंगे ऑप्शन वन फिर आपका ऑप्शन टैग क्लोज होगा फिर आप ऑप्शन टैग फिर से आप ओपन करेंगे फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑप्शन टू यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे ऑप्शन फिर आपका यहाँ पे ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा ऑप्शन टैग और यहाँ ऑप्शन एन जितना आपको ऑप्शन बनाना है आप यहाँ कर सकते हैं और ऑप्शन को आप क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या बात करेंगे टैग को क्लोज कर देंगे चलिए ये रहा आपका सिंटैक्स समझते हैं यहाँ पे जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे जैसे आपका सिलेक्ट ने लिखा यहाँ पे और आपने ऑप्शन वन में दिया यहाँ पे यूपी फिर आपका ऑप्शन क्लोज हुआ यहाँ पे आपका ऑप्शन क्लोज हुआ फिर आप यहाँ पे ऑप्शन लिखे और फिर आपने यहाँ एम लिखा फिर आपने क्या किया ऑप्शन टैग क्लोज कर दिया और फिर आपने सेलेक्ट टैग को क्लोज कर दिया तो याद रखिएगा कि जब आप ऑप्शन टैग में आप अपनी लिस्टिंग लिखेंगे ऑप्शंस लिखेंगे तो जो सबसे पहला ऑप्शन होगा ये आपका पहला ऑप्शन है ये आपका दूसरा ऑप्शन है तो पहले ऑप्शन में जो वैल्यू लिखी होगी वही आपका आंसर में ऐसे दिखेगा याद रखिएगा आपने ऑप्शन पहले ऑप्शन में क्या लिखा है यूपी तो आपके आइकन्स ऐसे बनेंगे ऐप ऐसे तो सोचने की बात है कि स्टेट क्यों दिखता है फिर है ना स्टेट दिखता है उसके नीचे आप तो आपका सिंपल सा चीजें हैं कि आप यहाँ पे यूपी के जगह पहला जो ऑप्शन बनाइए उसमें क्या लिखेंगे स्टेट लिखेंगे और फिर जितने आपको ऑप्शन बनाने आप उसके नीचे क्या लिख देंगे यूपी एमपी जो भी चीजें आपको देना है आप वहाँ पे दे दीजिए तब आपका ऑप्शन ऐसे कुछ दिखेगा यहाँ पे स्टेट दिखेगा अब स्टेट के जस्ट नीचे जो है वो आपका क्या दिखेंगे जितने भी आपके ए, यूपी एम पी उत्तराखंड का आसाम भी जो भी आपके स्टेट के नेम है आप दे दीजिए तो ये रहा आपका सेलेक्ट और ऑप्शन टाइम चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले यहां हम सेलेक्ट टैग यूज करेंगे इसके अंदर हम लिखेंगे ऑप्शन ऑप्शन में हम क्या लिख देंगे पहला जैसे हम लिख देते हैं यूपी फिर से हम इंटर करते हैं यहाँ वापस ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एम पी फिर से इंटर करते हैं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ऑप्शन कानपुर यहाँ पे आपके ऐसे ही ऑप्शन है यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं सेलेक्ट ये जो आपका तो ये जैसे हमने तीन नाम लिखे हैं चलिए इसको हम रन करवा के देखते हैं कंट्रोल एस करेंगे और रन करवाएंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे चलिए इसको हम थोड़ा सा बी कर देते हैं यहाँ पे कंट्रोल एस और इसको रन करवाते हैं यहाँ पे देखिए आपका ये क्या दिख रहा है एज अ ड्रॉप डाउन आइकन दिख रहा है और यहाँ पे आप क्या करेंगे यहाँ पे आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए आपको लिस्टिंग दिख रही है यूपी एम पी कानपुर तो आपने जो पहले ऑप्शन में लिखी थी वैल्यू देखिए आपने ऑप्शन में क्या लिखा था यूपी लिखा था तो जो पहली वैल्यू आप देंगे वही आपके ऊपर वाले में सेलेक्ट होकर आएगा आप यहाँ पे स्टेट दे दें स्टेट अब नीचे एक ऑप्शन और यूज कर लीजिए ऑप्शन और यहाँ पे आप यूपी दे दीजिए अब कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करवाते हैं अब देखिए यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है स्टेट दिख रहा है अब आप इसके अंदर आप जो भी लिस्टिंग आप चूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं तो ये था आपका सेलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग के बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फील्ड से टैग क्या होता है और लीज टैग क्या होता है